चंद्रपुर जिले में मुख्य रूप से चार क्षेत्र की क्षेत्रीय खदानें चंद्रपुर वेकोली, बलारपुर वेकोली, वनी वेकोली, तादारी और माजरी एकोना वेकोली आदि है। पर्यावरण संरक्षक और संरक्षण मानदंडों के अनुसार वृक्षारोपण के लिए निविदाएं जारी की गई थी। सरकार से संबंध कंपनी को मंजूरी दी गई। उक्त कंपनी मानक के अनुरूप अनुबंध में उल्लेखित विशिष्ट प्रजाति के वृक्षों का रोपण न कर मनमाने ढंग से एक निश्चित मात्रा में वृक्षों का रोपण कर मामले घुमाई है। इस विषय पर आज राजुरा के विधायक सुभाष थोटे से बात की है एनबी सिंह ने। देखते हैं क्या है उनका कहना। चंद्रपुर जिले में वेस्टर्न कोल्ड फील्ड के 5 डिवीजन है, एरिया है जिसको बोलते हैं, वो 5ों भी डिवीजन की बारे में जो हमने मालूम निकाली है, एक्चुअली जो कोयला निकालते हैं ज़मीन से और कोयला बाहर आता है तो उसकी जो डस्ट होती है और जो वातावरण जो दूषित होता है, तो पर्यावरण का कहीं से भी संतुलन रखना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कोल्डफील्ड ने एक स्कीम निकाली कि भाई वो जो वेस्ट होता है जो ज़मीन का, वो ज़मीन के बांध पर पेड़ लगाना चाहिए। तो पेड़ लगाना चाहिए तो पेड़ कौन से लगाना चाहिए, पेड़ लगाने के लिए 10 करोड़ का कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। वो कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद में उसने 10,000 पेड़ लगाना चाहिए था सभी 5ों एरिया में, 10 लाख पेड़ लगाना चाहिए था। लेकिन अभी वस्तुस्थिति ऐसी है कि मैं भी बलारशाह शास्त्री में रहता हूँ, इधर माजरी में घूमते हैं हम, वनी एरिया में जाते उधर जाते, और सभी जगह हमने उसकी चौकसी की तो उसमें ऐसा दिखा है कि जो पेड़ लगाया है वो तो क्या बोलते हैं कि जो फासोपिया नाम का जो पेड़ होता है जिससे वो जो संवर्धन होना चाहिए पर्यावरण का वो संवर्धन होता नहीं है। उसने पेड़ लगाना चाहिए था, आम के लगाना चाहिए था, नीम के लगाना चाहिए था, अनेक प्रकार के जो जिससे वो पर्यावरण का संवर्धन हो, इस प्रकार से उसने पेड़ लगाना था वो लगाया नहीं। इसलिए इसकी चौकसी करने के लिए आज हमने हमारे इंटक के नेता विजय ठाकरे और मैं हमारे जो CMD मनोज कुमार उनसे मिलने गए थे। CMD वहाँ नहीं होने से मंत्रालय में थे, अपने विधान भवन में थे, तो विधान भवन में उनकी मुलाकात ली, वहाँ पे दोनों तीनों भी हमारे एरिया मैनेजर थे और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि विगत आने वाले 1 महीने में इसकी पूरी इंक्वायरी होंगी। अगर इसकी इंक्वायरी नहीं होगी तो आने वाला जो मार्च का हमारा फरवरी का जो असेंबली सेशन है उसमें हम इसका क्वेश्चन लगाएंगे, और यहाँ तक नहीं तो जो कोल इंडिया का जो ऑफिस है जब कलकत्ता का वहाँ पर भी इसकी हम कंप्लेंट करेंगे अगर इन्होंने एक्शन नहीं लिया तो। धन्यवाद।